हेलो दोस्तों, नमस्कार। नील न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं स्पीकर आपको पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आना चाहिए हर क्वेश्चन में और हर टॉपिक में आपका इंटरेस्ट आना चाहिए, वही जगाने के लिए हम आ चुके हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग पहले ट्राई करें, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। 1600 को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारी तरीके से अपन हल करने वाले हैं। पहले भाग को साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 4% की वार्षिक दर से, दूसरा भाग 5 वर्ष में 3% की वार्षिक दर से ब्याज बराबर है। दोनों भाग क्या होंगे? जब ब्याज बराबर हो जाता है तो हमने आपको बताया था कि जब ब्याज बराबर है, क्या आई मतलब इंटरेस्ट ब्याज बराबर है, तो जो मूलधन होता है, मूलधन के संगे आर और टी का संबंध जो होता है वो कैसा होता है? इनवर्स का, जैसे कि आपको बता देते हैं। और यदि ये नॉलेज आपको है तब देखो 2-3 सेकंड के अंदर उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आपको नॉलेज है, मान लीजिए आपको नॉलेज है कि जो धन है, मूलधन है, वो आर और टी का कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कब? जब ब्याज बराबर है। आप कहेंगे भैया इसकी दर से कितना हो जाएगा? 4 × 8 और आधा 2 × 10% समझ में आया? कितना आया? 10 आ गया। इसका कितना आ जाएगा? 5 × 3 = 15 आ जाएगा। 10 और 5 का रेशियो है, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। देखो 10% और कितना है? 15%, ठीक है। 2 और 3 का रेशियो है। अब ये काय का है? ये तो R और T का है, लेकिन हमें निकालना है P और P मूलधन का, तब इनका उल्टा हो जाएगा 3 और 2। समझ में आ गया, ठीक है। अब 3 और 5 = 1600, तो 1 = 3200, ठीक है। 5 = 1600 तो 1 = 320, तो 3 = 96 और 2 = 6400। 2-4 सेकंड के अंदर ये उत्तर हो सकता था यदि ये नॉलेज आपको है। चलिए समझते हैं। देखो ये P1 P2 है, क्या है? P1 और P2। ये क्या था? ये R1 T1 था और क्या था? R2 T2 था, ये संबंध था, ठीक है। ये वाला ये था और ये इसका उल्टा कर दिया तब क्या बना? P1 और P2 का। समझते हैं, देखेंगे। हमने कहा यहाँ ब्याज बराबर है, आप कहेंगे पहले I था, I बराबर क्या होता है? P R1 R T1, ये होता है 3200, करेक्ट है। अब I1 है, ये I2 क्या है? आप कहेंगे भैया I2 है, ये भी है P2 R2 और T2 / 100, ये होता है ब्याज बराबर, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम / 100। अब कह रहा है ये और ये बराबर है, ये जो ब्याज है वो बराबर है। आप कहेंगे ये और ये बराबर है, ये भी उतना ही है I1, तो ये भी I1 है, दोनों बराबर कर देते हैं तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? इसके बराबर आ जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आज आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। देखो ये और ये भी बराबर हो जाएंगे, समझ में आया, राइट है। अब क्या करना है हमें? तो P1 और P2 निकालना है, क्या? दोनों भाग निकालने हैं, P1 और P2। तो P1 यहीं पर रहेगा, राइट है, और P2 आ गया, ठीक है। ये क्या? R1 R2 और R2 यहीं रहेगा, R2 और T2 यहीं पर रहेगा, बट्टे में क्या आ जाएगा? R1 T1। देखो ये रिलेशन निकल के आ गया है, क्या? कौन सा रिलेशन है ये? कि P1 के सामने क्या होगा? R2 T2 और P2 के सामने क्या होगा? R1 T1। मतलब यही है कि P1 का संबंध जो है वो इसके साथ कैसा है? देखो इनवर्स का है। P2 का संबंध R2 के साथ कैसा है? इनवर्स का है। ये चीज क्लियर है? मतलब हमको यदि P1 निकालना है तो तब P1 के सामने क्या होगा? R2 और T2, और हमको P2 निकालना है तो क्या होगा? R1 और T1। अब देखना ये हमको ब्याज बराबर है,
करेक्ट है, ये नॉलेज आपको है। अब यहीं पे करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे करेंगे, है? देखिए समझाएंगे, समझते हैं, ठीक। आपने कहा भैया पी वन बटे पी टू क्या होता है, आर टू टी टू और आर वन टी वन, करेक्ट। देखो आर टू कितना है, आर टू ये है आर और टू, आर और टी पांच टी पंद्रह हो गया, टी आर वन टी वन पहले वाला है ये, चार और साढ़े ढाई का चार में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, पांच बटे दो इंटू चार कितना बन जाएगा, दो दस परसेंटेज कितना आ जाएगा, पंद्रह बटे दस, करेक्ट है। ये पी वन है, ये पी टू है, राइट, ठीक है। ये हटा देते हैं, पी वन और पी टू कितना निकल के आ जाएगा, तीन और दो, तीन और दो, करेक्ट है। अब ये मूलधन निकल के आ गया, मूलधन पूरा कितना था, सोलह सौ रुपया, तो ये पूरा कितना है, पांच, तीन और दो पांच, पांच बराबर सोलह सौ, एक बराबर तीन सौ बीस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछे तब इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू पूछता है तो इसमें रख देंगे, दोनों की वैल्यू पूछा है तो एक की वैल्यू तीन सौ बीस, तीन की वैल्यू कितना हो जाएगी, नौ सौ साठ, ये पी वन आ गया, पी टू कितना आ जाएगा, बत्तीस चौसठ छः सौ चालीस, करेक्ट है। समझ में आ गया, समझ में आया, क्या समझ में आया, आप देखो डायरेक्ट करेंगे, यही से डायरेक्ट करना सीखते हैं। आपको पता है इन दोनों का गुणा करेंगे तब क्या निकलता है, ब्याज, आर और टी का गुणा करने से ब्याज निकलता है, और ब्याज का रिवर्स होता है पी वन और पी टू। यदि आप कहेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, ये दूसरा वाला है जो भाग पहले वाला का मूलधन बन जाएगा, पाँच ती पंद्रह, पंद्रह क्या बना, पहले वाले का मूलधन, देखो पाँच ती पंद्रह ये बना, पाँच ती पंद्रह बना, राइट, ये पंद्रह आया। अब दूसरा क्या होगा, ये देखो पहले वाला भाग है जो वो पी टू बनेगा, क्या बनेगा, पी टू, ठीक है। चार दूने आठ और आधा और कर दीजिए आठ का, चार दूने आठ, चार का हम ढाई में गुणा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ढाई में गुणा, पहले चार का दो में किया, चार दूने आठ, फिर चार का आधे में करेंगे तो चार का आधा दो, तो आठ और दो दस हो जाएगा, दस आ जाएगा ये पी टू। समझ में आ गया, दो चार सेकंड के अंदर ये आपकी चीजें बन जाएंगी, करेक्ट है, समझ में आया। अब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, आपको समझ जाना है कि इनका हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। इसको पहले लिख देंगे तो पी वन निकल के आ जाएगा, इसको बाद में लिखेंगे तो पी टू निकल के आ जाएगा, और इनसे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। समझ में आया, मजा आता, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही कहता है जब ब्याज बराबर है तो आर और टी का संबंध पी के साथ कैसा होता है, इनवर्सली, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, और जिंदगी में क्या रखा है, 10% की दर से 5% और 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो धन क्या है, क्या कहना चाह रहा है कि 10% की वार्षिक दर है, आपको हर साल 10% ब्याज देना है, ठीक है भैया। पर बोला 5 साल के लिए देते हैं, आप बोले 10% एक साल का, 10% 5 साल का 50%। फिर बोले यदि वही हम 9 वर्षों के लिए देते हैं भाई धन, तो 90% हो जाएगा, 9 वर्षों के लिए, 9 वर्ष के लिए 90%। अब इन दोनों का अंतर आ गया, वो 50 का और 90 का अंतर, ठीक है, कितना आया, 40%, वो 40% के बराबर है। तो मूलधन पूछा है तो धन कितना होता है, 100%, 100% किसके बराबर होगा, 40 100 के बराबर, तो 100 कितने के बराबर होगा, 40 का ढाई गुना है 100, तो 100 का भी ढाई गुना 250, 250 रुपया मूलधन हो जाएगा। 2-4 सेकंड के अंदर इसका उत्तर आ गया 250। समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये रेशियो हमने आपको बताया है, क्या बताया था कि आई बटे पी बराबर क्या होता है, आर टी अपॉन 100, ये बताया। यदि ये क्या है, ये है ब्याज, यदि ब्याज में अंतर है, क्या है ये, ब्याज में अंतर है, क्या है ब्याज में अंतर का मतलब अधिक हो कम हो, ये लिखेगा वो, तो ये अंतर है, अंतर को करेंगे हम डेल आई, ठीक है, मतलब अंतर है बटे पी, यहां भी वही होगा इनका अंतर, ठीक है, बराबर 100, राइट, ये समझ में आ गया। आप इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहेंगे इन दोनों का अंतर 100 रुपया है, लिख दीजिए 100 रुपया अंतर है, पी पूछा है, 100 की वैल्यू पूछी है, 100 की वैल्यू निकल के आएगी, इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर, इन दोनों का अंतर देखो
पांच और चार का अंतर, इस डेल का मतलब क्या होता है अंतर, डिफरेंस। देखो आर वही रही, आर वही रही, ठीक है, आर कितनी है 10%, 10 लिख दीजिए, लेकिन इन दोनों का अंतर देखा जाए पांच और चार का कितना, 9 और 5 का 4, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या अंतर है, इन दोनों का अंतर है, जो भी इन दोनों में अंतर रहेगा वो आप लिखेंगे यहाँ पर। तो 40% ये आ गया ऊपर वाला, नीचे का 100% आ गया, ठीक है। यदि 40% की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है, तो इस 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। ये कितने गुना है, 250 गुना है, 40 का 100 में भाग देंगे तो 250 बार जाता है, 250 बार, तो 100 का भी 250 बार जाएगा। इस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 250, यही उत्तर है 250, करेक्ट। ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही, अगला क्वेश्चन भी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। और आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं कंप्लीट मैथ आपको बिल्कुल फ्री, विदाउट कॉस्ट, कोई पैसा भी नहीं लगना है, बस आप हमारे साथ बने रहें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जोड़ें और हमारे साथ बने रहें। ब्याज की दर यदि 13% की बजाय 15% की दर से होता तो साधारण ब्याज 50 रुपये अधिक मिलता। ब्याज क्या पूछा है, धन क्या है, क्या धन क्या है, इसको भी वैसे ही करेंगे। इसने क्या किया था, यहाँ पर 9 वर्ष में 5 वर्ष से 9 वर्ष हो गया था, ठीक है, यहाँ पर क्या किया 13 से 15% हो गया, राइट, मतलब इस बार क्या किया इसने, आर में डिफरेंस कर दिया, टी भाई है 5 के 5, करेक्ट है। अब देखना करते हैं इन दोनों का अंतर कितना है, 2% का, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 2% की दर से 5 साल अंतर कितना आ जाएगा, 5 × 10%, करेक्ट है। 10% बराबर कितना है, 50 रुपया, 10% बराबर 50, समझ में आ रहा है, यहाँ पर कितना 10% यहाँ पर कितना है 50, 10 से कितना गुना होगा, 5 गुना होगा, 100 से भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, 500 रुपया क्या हो जाएगा मूलधन, ये समझ में आया नहीं आया तब आपको सोचना है कि मैं इतना धीमे धीमे बता रहा हूँ, तब भी आपको थॉट प्रोसेस और बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसी में है सेम टू सेम वैसे ही, डेल आई मतलब अंतर और ये डेल टी, डेल ब्याज, डेल आर और टी का संबंध कुछ भी रहे। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष हैं और 13 की बजाय 15% पर आप देते तो आप कहेंगे 5 तो ठीक है, टी हो गया, टी कितना है 5 है, और इन दोनों का अंतर 13 की जगह 15 का अंतर, तो 2% हो जाएगा बटे 100, ठीक है, ये 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, इन दोनों का अंतर कितना है 50 रुपया, अधिक या कम जब भी रहेगा वो मतलब अंतर है, ब्याज का अंतर 50 है, ये पूछा है, ये कितना है 10 गुना है, 5 गुना है ये, और 10 से देखो यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 100 आ गया, 50 आ गया, यहाँ क्या आएगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 का 10 आया, 100 थे 100 रुपया थे तब 10 आए, यहाँ से भी ले सकते हैं आप, 100 से 10 बने तो यहाँ भी 500 से कितने बनेंगे 50, समझ में आया, 100 का 10% कितना होता है 10, तो 500 का भी 10% 50, ऐसा भी बन सकते हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, यहाँ से आ सकते हैं 10×50 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा 500, ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा, और अभी टाइम लगेगा शुरुआत में, उसके बाद 2-4 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं इसलिए इस बार 2-4 सेकंड के अंदर ये उत्तर करना है, ठीक है। कोई धन कितने प्रतिशत दर से 3 वर्षों में 11 गुना हो जाएगा, हमने क्या कहा था, जब कितने गुना हो जाएगा, इतने गुना हो जाता है तब हमको किस पे आ जाना है, हमेशा ब्याज पर। 1 रुपया था, 11 हमको हो गए, मतलब 10 रुपया ब्याज मिला, 1 से 10 मिला, 1 था हमारा रुपया मूलधन, 10 ब्याज मिला, तो 1 10 हो गया, 100 का भी 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया, 1000 हो जाएगा, लेकिन आर कितना है, 3 वर्षों में, क्या 3 वर्षों में है ये, ठीक है, ठीक, तब आप कहेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 आर है और 1000 बनाना है हमको, तो आप कितने गुणा करना पड़ेगा, बताइए, 333 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया, आप कहना चाहते हैं।
कि जो धन है ये एक रुपया था मूलधन, दस रुपया हमको ब्याज मिला, ठीक है, सौ था, यहाँ पर कितना है तीन है, पूछा है आर की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है, इसी पे आ रहे हैं अपन, ठीक है, ये समझ में आ गया। देखे ना ये कितना चलेगा, 1000 बटे तीन कहाँ गया नीचे, ठीक है, देखो आप भाग देंगे, आपको पता 100/3 क्या होता है, 100/3 क्या होता है 33.33 होता है कि नहीं होता है, एक बिंदी और रखी है 33.33 होता है, एक बिंदी और भी है, तब आप कहेंगे कि चलता जाता है, एक और आ जाएगा यहाँ पर, एक अंक बाद दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, 333.33 आर हो जाएगा, समझ में आया। आप यहीं से कर सकते थे, जो 10 गुना है तो यहाँ भी इसका 10 गुना कितना होता है 1000, इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पर आना चाहिए 1000, कितना आना चाहिए 1000, लेकिन तीन तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तीन क्या है ऑलरेडी बैठा हुआ है, तब आप कहेंगे कि भैया हम 333 का गुणा करेंगे, इसमें कितना करेंगे आर का मतलब 333 का गुणा करेंगे, तब आपको 1000 मिल जाएगा, ये चीज क्लियर है, ये चीज कैसे आएगी एक्सपीरियंस के साथ, ये चीज आती जाएगी, अदरवाइज आप सीधा सीधा गुणा करते जाएं तब भी आपको उत्तर निकल के आ जाता है। अब आपके एसआई पूरे चैप्टर अपन ने या पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, इनकी अब अपन कल से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ अपन नए नए क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, कम से कम 20-25 सवालों की हम प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद आप इसके अभी से आपके पास कोई बुक है आप उससे सॉल्व करिएगा। सिर्फ एक आपका कॉन्सेप्ट बचा है, वो बचा है इंस्टॉलमेंट का, मतलब किस्त का बचा हुआ है, वो भी अपन को करेंगे अगले राउंड में, उस क्वेश्चन को करेंगे कवर, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इतने क्वेश्चन आप करते चलिए, आप वो भी बुक उठा लीजिए, आप उससे सॉल्व करिएगा, प्रॉब्लम यदि आती है आप हमसे पूछ सकते हैं, और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है।